अपनी बात करी है। गुड मॉर्निंग आलोकी। गुड मॉर्निंग सर। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने गुरुजी के कॉलेज में आया, और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैंने इतना जाना है जिंदगी के अंदर कि पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है, खून और पसीने में बड़ा फर्क होता है, जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। और मैंने इतना अनुभव किया है कि बहुत सारे इंसान यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिंदगी काटने में ज्यादा बिलीव करते हैं, जीने में उनका विश्वास नहीं है। वास्तव में तैयारी तो वो जिंदगी जीने की करते हैं, लेकिन जिया जाता नहीं है। तो आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसके जरिए जिंदगी को बड़ा खूबसूरत और हसीन बनाया जा सकता है। तो एक घंटा आप मेरा साथ देंगे, तो एक घंटा आप पूरी तरह से सुनेंगे, तो एक डेमो से और एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार की बात है, यहाँ इंसानों का जो मैंने देखा ना, फोकस पूरी तरह से आईक्यू ग्रेडिएंट के ऊपर है। हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से तर्कशास्त्री बने, लॉजिकली हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या हमारा ब्रेन इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पाता है? इसके ऊपर बड़ी नजर नहीं रहती, हम बहुत कम सोच पाते हैं। लेकिन जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% ही हमें आईक्यू की जरूरत है, और 80% जो जरूरत रहती है वो है ईक्यू की। इमोशनली हम इंटेलिजेंट कैसे बने? यहाँ पर देखा है कि हर इंसान भरा हुआ है अंदर से पूरी तरह से, वो जब मौका मिलता है तो पूरा वो ढेर देता है। ना गुस्से पर कंट्रोल है, ना अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है, मानसिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हमने कुछ पढ़ भी लिया, वो कहते हैं ना, पढ़ पढ़ के अगर हम पंडित भी बन जाएंगे, वो थी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। मतलब आज सिर्फ और सिर्फ जिंदगी से जुड़े हुए कोई ज्यादा गहरी बातें नहीं है, सिर्फ मैं अनुभव मैंने किया है, कुछ जाना है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे जो जीनियस थे, आईक्यू लेवल उनका काफी हाई था, और जो विद्वान होते हैं वो विद्वता की बातें करते हैं। तो एक मीटिंग के लिए उनको नदी पार जाना था, तो जैसे नदी पार जा रहे थे उन्होंने किनारे से एक नाव किराए पर ली। अब जो अक्सर ज्यादा आईक्यू वाले होते हैं वो चुप नहीं बैठ सकते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। तो बीच में नदी काफी बड़ी थी, तो उस नाविक से बोले, नाविक तूने कभी जूलॉजी पढ़ी क्या? वो नाविक कहता, नहीं साहब मैंने तो नहीं पढ़ी। कहता, वो क्या होता है? कहता, ये वो विज्ञान होता है जीव जंतुओं के बारे में। कहता, तूने तो पढ़ा ही नहीं, तो तेरी तो एक तिहाई जिंदगी बेकार चली गई। अब थोड़ी दूर और चले थे तो नाविक वो विद्वान फिर से बोला, कहता, नाविक तूने कभी ये एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी क्या? वो नाविक फिर से कहता, नहीं साहब मैंने तो नहीं पढ़ी। वो क्या होता है? कहता, ये होता है विज्ञान, तारा नक्षत्रों का, अगर तेरी नाव कहीं भटक जाए तेरे को पता कैसे चले? कहता, तूने तो पढ़ी नहीं, तेरी तो एक तिहाई से एक चौथाई जिंदगी बेकार चली गई। अब फिर उन्होंने बोला, कहता, नाविक तूने कभी ये इकोलॉजी पढ़ी क्या? कहता, वो भी एक विज्ञान होता है। नाविक कहता, साहब मैंने नहीं पढ़ी। कहता, तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी दूर चले थे वो नाविक बोला, साहब आपने स्विमोलॉजी पढ़ी क्या? अब विद्वान कहता, नहीं नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। कहता, वो क्या होता है? वो भी एक विज्ञान होता है तैरने का। अब तूफान आने वाला है, ये नाव डूबने वाली है। कहते, आपने तो पढ़ी नहीं, आपकी अब पूरी जिंदगी बेकार। तो अगर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, अगर हमने जिंदगी को नहीं पढ़ा, अपने को नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि उस विद्वान की तरह जिंदगी बेकार चली जाए, क्योंकि जो पा लेता अपना सुराग, जी लेता अपनी जिंदगी। तो आज एक डेमो से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दो पार्टिसिपेंट चाहिए यार, कोई आ जाए, कोई प्लीज। आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इस गिलास में पानी और आ सकता है? यस यस। अब आ सकता है? अब आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। अब आ सकता है? यस यस। अब आ सकता है? इससे आप क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, आप सही समझे। हर जगह अलग अलग जगह यही सवाल, यही आंसर मिलता है कि अगर प्यास लगी तो पानी मिलेगी। लेकिन इसका रियल मतलब ये नहीं था। क्या आप रियल मतलब समझे? ये क्या था और क्या इसका मीनिंग था? इसका रियल मीनिंग था, ये गिलास ना गिलास है, ना ये पानी पानी है, ये गिलास हमारा माइंड है, और इसके अंदर जो पानी है वो हमारा ज्ञान या नॉलेज है। अगर हमारा दिमाग, हमारा माइंड पहले से ही फुल है, तो क्या उसमें आज का ये थोड़ा सा सेमिनार आ पाएगा? यस या नो?
आपका एक आ जाएगा लेकिन चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो क्यों ना इसको खाली किया जाए, खाली किया जाए। हाँ जी किया जा सकता है, यस या नो, कैसे? हाँ जी प्लीज आप जाए। हाँ जी बैड मेमोरीज निकालते, हाँ बैड मेमोरीज निकालेंगे कैसे? जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर करप्टेड फाइल होती है, जो अनवांटेड डाटा है उसको डिलीट करते हैं, ऐसे ही इस फाइल के अंदर कुछ अनवांटेड आ जाता है जिसको डिलीट करना जरूरी है, लेकिन डिलीट करने की कला हमें नहीं आती। इसको डिलीट कैसे किया जाए? जैसे मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ता है कई बार जब वो हैंग हो जाए, लेकिन ये सिस्टम भी तो हैंग होता होगा, इसको भी तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करने की कला हमें नहीं। अब देखिए पिछले दिनों की बात है, मैंने स्वास्थ्य विभाग में काम किया था, वहां देखा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे 5 बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। आप सही जानते होंगे पेंटावेलेंट नाम की जो वैक्सीन है उसको वैक्सीनेट किया जाता है, वो बीमारियों से हमेशा के लिए बचा रहे, उसे पहले से ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, ताकि उसको वो डिप्थीरिया जो जिसकी बीमारियां हैं, जैसे काली खांसी, जो नाम 5 मुझे नहीं पता लेकिन है 5 बीमारी पेंटा के अंदर, उन 500 बीमारियों से वो श्योर हो जाता है। क्या हम मानसिक रूप से ऐसी कोई इंस्टॉल करके रखते हैं वैक्सीन जिससे हम मानसिक परेशानियों से बचे रह सके? जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर हम एंटीवायरस पहले से इंस्टॉल करके रखते हैं कि जब भी वायरस आए तो ये उसे इन्फेक्टेड ना हो, क्या हम माइंड के अंदर सब रखते हैं कि जब भी मानसिक परेशानी आए, कि चिंता परेशानी दुख दर्द आएंगे ही आएंगे, तब क्या हम उनसे सुरक्षित रह पाएंगे? लेकिन ये हम नहीं रखते, शायद इसके लिए एंटीवायरस या वैक्सीनेशन बनी है, उस तक हमारी पहुंच रही है, वो इस तरह के सेमिनार हैं, कुछ और बहुत सारी कलाएं हैं जिनके द्वारा हम इस ब्रेन को सुपर बायो कंप्यूटर है इसको आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। और उसी कड़ी में ये आज का प्रोग्राम है कि वो 7 स्टेप कौन से हैं जिसके द्वारा हम ब्रेन को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं, वो नाम मैं आपसे बताऊंगा, उसके ऊपर डिटेल से हम चर्चा आज नहीं करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आती है द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। हम वर्तमान में रहना नहीं जानते, हम ज्यादातर या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। जब हम किसी चीज को याद कर रहे होते हैं तब हम पास्ट में होते हैं, और जब हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं तब हम फ्यूचर में छलांग लगा रहे होते हैं, और पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो बचता है वो है वर्तमान। द पावर ऑफ नाउ, अगर हम वर्तमान में ठहर जाए तो सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है एक क्षण के अंदर सारी चीजें। लेकिन ये खरा नहीं, सभी धार्मिक जो सदगुरु है उन्होंने हमेशा यही कहा है कि ध्यान है अभी और यही और कुछ नहीं, मेडिटेशन इज नाउ एंड हियर, अभी और यही का नाम है ध्यान, और अभी और यही को हम महसूस कर लें कि जो हो रहा है बस हो रहा है, ना किसी एडिटिंग की जरूरत है, ना किसी अच्छे की जरूरत है, ना बुरे की जरूरत है, तब तो ये सारी दवाई अपने आप आ जाती है। इसके अलावा दूसरा कदम है हिप्नोथेरेपी, हिप्नोटिज्म से ही संबंधित है कि उसके द्वारा बैड मेमोरीज को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। योग निद्रा इसके अंदर एक रिसेप्ट है जिसके द्वारा हम नींद लेना हम सीख जाए कि सोना हमें कैसे है, उसके द्वारा इन साइकोलॉजिकल बीमारियों से आसानी से निपटा जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपने आप बीमार सिर्फ और सिर्फ अपने कारण बीमार हैं, जैसे खुश होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों एक योगा का कैंप लगा था स्कूल के अंदर, गर्मी काफी, सुबह बच्चे मुझसे केंद्रीय विद्यालय में अजीब गरीब सवाल पूछते रहते हैं, वो बच्चे आके मुझे कहते हैं सर ये आप बताओ बच्चे ये गर्मी से परेशान है या ये योगा से परेशान है? अब आपका जवाब क्या होगा? आप बताए योगा से परेशान है गर्मी से, योगा से या गर्मी से, पहले आप डिसाइड कर ले, योगा से। बच्चे ना तो योगा से परेशान है ना गर्मी से परेशान है, बच्चे अपने आप से परेशान है। जो अपने आप से परेशान है वो सभी चीजों से परेशान होगा ही, और जो अपने आप से परेशान नहीं है ना उसे योगा परेशान कर सकता ना उसे गर्मी परेशान कर सकता। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, जिस दिन लाइफ बदल जाएगी, मुझे भी समझने में काफी समय लगा था इस बात को, जिस दिन समझ में आ जाएगी उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। कारण ये है कि ना तो योगा से परेशान हो सकते बच्चे ना गर्मी से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि ये बोरिंग चीज है, इससे कुछ आना जाना नहीं है, इससे कुछ बनना नहीं है, तो वो खुद ही परेशान है खुद से। यहाँ जो इंसान दुखी है ना वो किसी दूसरे से दुखी नहीं है, वो खुद से ही दुखी है, और जो खुद से दुखी है वो सबसे ही दुखी है। घरों में लगता है कि लोग गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा खुद से करते हैं इसलिए दूसरों से करते हैं, अगर खुद पे गुस्सा ना आए तो दूसरों से आने का मतलब ही नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां ऐसे ठीक नहीं हो सकती जैसे कि हम कोई फार्मूला रख लें या कुछ तकनीक अपना लें जिसे कहें शॉर्टकट, शॉर्टकट में हम ज्यादा बिलीव करते हैं कि हमें कोई जैसे लोग आकर कहते हैं सर कोई दवाई ऐसी दे दो कि मेरा ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी दवाई नहीं बनी साइकोलॉजिकली केसेज में, खास करके चाहे डिप्रेशन हो चाहे एंग्जाइटी हो चाहे स्ट्रेस हो, उसमें ऐसी दवाई नहीं बनी। कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनको अपना करके जीवन में हमेशा के लिए हम इसे छुटकारा पा सकते हैं, तो वो कहते हैं दवाई दे दो हमें बता दो कि हम आज खाते हो कल ठीक हो जाए, ऐसा होगा नहीं। जैसे बोने और काटने का एक नियम है,
अगर आज हमने बोया है तो फसल अगले कुछ सालों बाद या कुछ 6 महीने बाद ही आएगी। जैसे हमने अगर ये फसल लगाई जिसका 6 महीने में रिजल्ट आता है, जिसे जोना बोलते हैं, या कोई भी फसल है, तो 6 महीने में फसल तैयार होगी, उसके वैसे वैसे रिजल्ट आएंगे। अगर हमने बांस की खेती करनी है तो 5 साल तक बीज उगेगा ही, उसके बाद मड़वार होगी, वो लाजवाब। इसी तरह से जो सिद्धांत है उस पर हमें काम करना होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे, वो इम्पैक्ट होगा। तो आज हम उन 7 सिद्धांतों के बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन गहराई से नहीं। उसके अंदर सबसे जितना हमें बाहर दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें गहरी हैं, जड़ें गहरी हैं। इसी प्रकार हमारी जड़ों में अगर सिद्धांत है तो हमारा जीवन का पौधा हमेशा बड़ा बनेगा और उसमें फल भी अच्छे आएंगे। तो हमें जड़ों पर काम करना है, ना कि अगर मनुष्य ने काम किया तो फ्रूट अपने आप अच्छे आ जाएंगे, अगर फ्रूट पे काम किया तो फ्रूट आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जैसे लोग अक्सर आकर कहते हैं कि पर्सनैलिटी पे काम किया जाए, पर्सनैलिटी पे काम करना एक काम चलाव सा तरीका है, कुछ दिनों तक तो ये चल सकता है, लेकिन जब तक हम कैरेक्टर पे काम नहीं करेंगे जिंदगी में बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो हमें खुद पर काम करने की जरूरत है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। यहाँ जितनी भी साइकोलॉजिकल परेशानियां हैं वो है इसी वजह से कि हमारे जीवन में सिद्धांत मिस हो चुके हैं, वो वैल्यूज मिस हो चुकी है, वो प्रिंसिपल नहीं रहे, उनकी वजह से ये परेशानियां हैं। और जितनी भी परेशानियां आती इसी वजह से हैं कि हमने सिद्धांतों पे काम करना छोड़ दिया। ये जितनी जिंदगी हमें लगता है कि इतनी तेज हो चुकी है, वास्तव में इतनी तेज जिंदगी है नहीं, हमने खुद ही बना लिया है इसे तेज, हम दौड़ेंगे सब कुछ पा लेंगे। हमें बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है जितनी कि हमें दिशा की जरूरत है। अगर हमारी डायरेक्शन सही है तब तो हम पहुंच ही जाएंगे, अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत है तो हम कितना ही दौड़े कितना ही भागे क्या पहुंच पाएंगे नहीं, और मानसिक परेशानियां तो मिलेंगी मिलेंगी पक्का। ये तो है। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, एक स्टूडेंट का इधर से एक सवाल, हाँ जी आप खड़े हो जाए, हाँ जी खड़े हो जाए प्लीज, हाँ जी। आपने एक लक्ष्य के अनुसार जयपुर जाना, जयपुर गए हो ना आप एक बार, ठीक है, लक्ष्य के अनुसार आज पहुंचाते हैं। आपने जयपुर जाना, आपको एक नक्शा दिया जाता है जिसके ऊपर जयपुर लिखा हुआ है, लेकिन वो नक्शा दिल्ली का है, वो प्रिंट गलत हो गया, जयपुर लिखा गया, तो आप नक्शे के अनुसार कहां पहुंचेंगे? दिल्ली। अगर रास्ते में आप तेज तेज चलो फिर कहां पहुंचोगे? हाँ जी कहां पहुंचोगे? हाँ हाँ बताओ, दिल्ली पहुंचेंगे। रास्ते में आप फिर सोचो कि पॉजिटिव थिंकिंग में हम बिलीव करते हैं, सकारात्मक, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ पूरा होता ही, तब आप कहां पहुंचोगे? हाँ जी दिल्ली पहुंचेंगे। ये जरूरी नहीं कि जिंदगी के अंदर हम धीरे चले या तेज चले या भागे या दौड़े, ये भी जरूरी नहीं कि हम सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें, जरूरी है कि हमारी दिशा क्या है। अगर दिशा सही है तो तेज चलना ही आपका कारगर साबित होगा, और अगर पॉजिटिव सोचें तब भी कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले अपने जीवन की हमें दिशा का पता होगा कि हमारे जीवन की दिशा है क्या, वो दिशा जिससे हमें खुशी मिलती हो, जिससे हमें खुद को संतुष्टि मिलती हो।